तो भाई एक तरफ तो तम देखने लग रहे हो, एक तरफ तो काबरसा गांव का युवा सरपंच मनीष जाखड़ की डेड बॉडी आने लग रही है और दूसरी तरफ उसकी हत्यारों की तस्वीरें भी वायरल होने लग रही हैं सोशल मीडिया पे। तो फिलहाल तो हम देखो कैमरामैन विक्की तिकुंगा एक बार दिखाओ भाई जबरदस्त हम देख सको हो। आसपास के ग्रामीण भी आड़े इकट्ठे हो लिए हैं और फिलहाल जो है एम्बुलेंस के द्वारा जींद तय पोस्टमार्टम के बाद जो सरपंच है युवा सरपंच मनीष जाखड़ की डेड बॉडी गांव में पहुंची है, पूरे गांव में मातम का माहौल है। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई किस तरह से मनीष जाखड़ जो कि काबरसा गांव का युवा सरपंच जिसको गोलियों तक छलनी कर दिया था और उसके हत्यारों की तस्वीर भी जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ गति से वायरल होने लग रही हैं। फिलहाल ये दुखद तस्वीर काबरसा गांव से दुखद तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो और एक तरफ तो पूरा का पूरा काबरसा गांव जिसमें कि पूरा मातम का माहौल है, दूसरी तरफ तो मनीष जाखड़ की डेड बॉडी लाई गई है एम्बुलेंस के द्वारा, कैमरामैन विक्की तिकुंगा एक बार दिखा दे, और एक तरफ जो हत्यारे हैं कैमरामैन विक्की एक तरफ जो हत्यारे हैं उनकी फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज गति से वायरल होने लग रही हैं। ये वो हत्यारे हैं, हाँ भाई ये हैं वो हत्यारे हैं। हाँ जी भाई। अच्छा इन इस घटना को अंजाम तक बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये जो हत्यारे आप देख ये वाला ये देखो भाई तुम देख सको हो, ये उन हत्यारे के हैं जिनकी तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही हैं। मनीष जाखड़ की अगर मैं बात करूं तो काबरसा गांव का युवा सरपंच जिसके सपने जो है इन दो हत्यारों ने चकनाचूर कर दिए, तो यह दुखद तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। उसके परिवार के भी कुछ मेंबर हैं मार्गे जो मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण, प्रवीण भाई बहुत दुखद दुखद घटना, बहुत दुखद और बड़ी बेरहमी से सरपंच मनीष जाखड़ की जो हत्या करी गई है, छलनी कर दिया एक तरह से उनको, तो इसमें अब तक कोई पुलिस की पड़ताल में क्या कुछ मामला जमे हैं? एक लग भाई सब कुछ को नहीं आया, पकड़ में को नहीं आया, पकड़ में नहीं आया कोई नहीं आया। तो फिलहाल पूरा जाम की स्थिति है, पूरा रोड जाम कर रखा है जिसे जिनसे पटियाला की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, तो किस तरह की मांग है आप लोगों की? भाई साहब जल्द से जल्द पकड़े जाए, जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो। चलो तो परिवार सदमे में है भाई फिलहाल, और एक तरफ मनीष जाखड़ की जो डेड बॉडी है उसको अंतिम संस्कार के लिए काबरसा गांव में लाया गया है और बहुत ही दुखद तस्वीर। एक तरफ प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन जो SHO हैं DSP हैं और जो आला अधिकारी वो मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि स्थिति जो है किसी तरह का तनाव का माहौल ना बन पावे। फिलहाल एम्बुलेंस में मनीष जाखड़ की डेड बॉडी को काबरसा गाँव में लिया गया है और तम देख सको दूर की दूर पूरा का पूरा जो हाईवे है पूरी तरह से जाम कर रखा है और जो पीड़ित परिवार है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मारे को ठोस आश्वासन कि मैं इस मामले में नहीं मिलेगा जब तक जो है इस जाम को हम नहीं खोलेंगे। तो संदीप सिंह DSP जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं और भी जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके परिवार के जो परिजन हैं उनका गले प्रशासनिक अधिकारी जो है वो संवाद करेंगे ताकि बातचीत से किसी तरह रोड को जाम को खुलवा जा सके। तो देखिए मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पूरा जींद प्रशासन इस पीड़ित परिवार के साथ है, ये मैं आश्वासन देता हूं। हमारी पुलिस की टीमें सुबह से ही रेकी कर रही हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, जैसा आप DSP साहब ने पहले भी आपको बताया है कि हमें कुछ तो समय चाहिए, 1 से 2 दिन का हमें समय चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस यहीं पे खड़ी रहेगी आपको कंट्रोल करने के लिए उनको पकड़ेगा कौन? तो उनके पकड़ने के लिए पुलिस ही पकड़ेगी उनको। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यहाँ बैठने से समाधान होगा नहीं, डेड बॉडी आ चुकी है, इस पीड़ित की अंतिम यात्रा में आप शामिल हो, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और DSP साहब मेरे साथ मौके पे खड़े हैं, इन्होंने आश्वासन भी दिया है और ये अभी आश्वासन दे रहे हैं और मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं कि 1 से 2 दिन में जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बिल्कुल जो भी सजा होगी वो दी जाएगी उनको, कानूनी तरीके से जो जायज़ होगा वो कराया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पीड़ित की अंतिम यात्रा में शामिल हो जाइए आप और ये रास्ता खोल दीजिए। तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है भाई ग्रामीणों को, और फिलहाल जो है जो मनीष जाखड़ का पार्थिव शरीर वो गांव में लिया गया है, और डीएसपी संदीप सिंह ने भी आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया है डीएसपी साहब ने भी भाई जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ा जाओगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ जी संदीप जी, सरपंच है वो यहाँ पर जी, डीएसपी साहब बोलना चाहूँगा। ऐसा है ये जो आप भी बड़े थोड़ा बैठ कर ले लो, ये बड़े पास भाई, इस घटना के संबंध में हमारी टीम लगातार बाहर निकली हुई है, और जो बाई नेम इन्होंने दिए थे उनमें से एक हमने अभी तक राउंड अप कर लिया है, बाकी जल्द ही एक या दो दिन के अंदर अंदर हम सभी को पकड़ के और जो है ना कानूनी प्रक्रिया अपनी पूरी करके और कोर्ट में डाल देंगे उसको। ठीक है, अब काम तो तभी होगा जब हम यहाँ से निकलेंगे, अगर हम यहीं रहेंगे तो फिर आप भी यहीं हो हम भी यहीं हैं, वो मुलजिम आगे भागते ही रहेंगे, पकड़े तो नहीं जाएंगे वो, तो उनको पकड़ने के लिए हमें टाइम तो चाहिएगा, ये तो आप बात समझते होगे आप, तो हमें जो है ना आप दो दिन का टाइम दीजिए, हम करेंगे काम, काम कर रहे हैं आपके लिए ही है सब कुछ। ठीक है सर, मानते हैं 11 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारी एसपी साहब का कोई बयान नहीं आया है, हम चाहते हैं कि एसपी साहब आए, वो हमारे को आश्वासन दे और उसके बाद हम डेड बॉडी को लेके जाएंगे। बिल्कुल सर, एसपी साहब मिलकर चले गए थे, परिवार वाले साथ थे, हॉस्पिटल में भी थे, थाने में भी थे, आप उनसे पूछो क्या उनसे बातचीत नहीं हुई, उनसे नहीं मिले, उन्होंने हमें डायरेक्शन नहीं दी हो तो आप बताएं। नहीं सर, अभी तक एसपी साहब का कोई बयान नहीं आया हो, पूरी मीडिया खड़ी है इधर, किसी मीडिया के सामने एसपी साहब का बयान आया हो कि एक सरपंच की ऐसे हत्या कर दी गई है, एसपी साहब का बयान तो आना चाहिए कम से कम, अभी तक बयान भी नहीं आया है। बयान देखिए सरपंच जो है वो प्रशासनिक आदमी है, हमारी सहानुभूति इनके पूरी साथ है, पूरा प्रशासन यहाँ पे है, उचाणा प्रशासन लोकल प्रशासन पूरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, हम लोग डीसी और एसपी साहब की तरफ से यहाँ आपके सामने खड़े हुए हैं, और ऐसी मैं मानता हूँ कि एसपी साहब ही आएंगे या डी साहब ही आएंगे वो तो जायज़ नहीं है, हम उनके व्याप में काम कर रहे हैं, उचाणा के उच्च प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो आपको आश्वस्त कर रहे हैं, तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कृपा करके आप इस धरने को ख़त्म कर दीजिए और इसके अंतिम यात्रा में शामिल हो जाइए, ये डीसी साहब और एसपी साहब की तरफ से ही आश्वासन है जो हम कह रहे हैं। सर पूरे गांव की एक ही मांग है, एसपी जी ने बुलाओ यहाँ पे जब हमारा मतलब फैसला आगे बढ़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। हाँ मीडिया के सामने लाइन चला दो, खुद फोन नहीं आया मीडिया के सामने बोलते नहीं सुनता, कोई बात भाई राम सर। फिलहाल तो हम देख सको भाई माहौल काफी गर्म है, पीड़ित परिवार जो है ना आप वो चाह रहे हैं भाई आप उनको आश्वस्त करें उसके बारे में, वो कह रहे हैं सर एक बार फोन पे ही आप जो है मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ तो फोन पे। सर एसपी साहब स्पीकर पे हैं भाई, एसपी साहब के सर मीडिया में आप भी बोलो, एक मिनट बात करो। एसपी साहब इस घटना को 11 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये पूरा गांव इससे आश्वासन में नहीं है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और देखो 11 घंटे बाद भी हम चाहते हैं कि जब एसपी ये गांव चाहता है एसपी साहब अपना बयान दे और बताए कि हम इतनी देर में कार्रवाई करेंगे, और आपका बयान सुनना चाहता है गाँव भाई। सभी गांव वालों को एक तुम्हारा नमस्कार, और एक ये कहना चाहता हूं कि इस दुखी घड़ी में आप सभी के साथ उतने दुखी हूं जितने आप लोग दुखी हैं। मैं सुबह थाने में आया था और मृतक के सगे भाई से मिलके गया था, और उस टाइम ही जो जो नाम बताए थे जो बाई नेम थे उसमें एक तो गुरनाम है और दो तीन परिवार के और सदस्य हैं जो मैंने ऑलरेडी उठा लिए हैं, जो मेन तीन लड़के हैं उसके लिए मेरी 5 में इस टाइम एक पंजाब में एक कैथल में एक गुहाड़ा में है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज रात तक इन लोगों को अरेस्ट कर लूं और इतना भरोसा रखा अपने भाई पे कि इनको वो सजा दूंगा जो गांव चाहता है। आपसे ये निवेदन है कि एक बार भरोसा करके देखो, आपके ये इतना नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकता लेकिन वो सजा देने में कमी नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है एसपी साहब, अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए,
मतलब सिर्फ ये नहीं, इसके पीछे किसी और का हाथ है, मतलब सिर्फ ये नहीं है, इनमें एक गांव वाले लड़कों में इतना दिमाग नहीं हो सकता, उनके पीछे भी किसी का हाथ है। ऐसा नहीं होता कि जिस भी व्यक्ति का इसमें जरा से भी दोष होगा वो उसको ना केवल अरेस्ट करूंगा, उसको वो सजा दूंगा जो गांव देना चाहता है। बिल्कुल, तो ये गांव अभी आपके आश्वासन पर ये गांव डेड बॉडी उठा लेगा, आप इनको एक बार आश्वासन दे दिए कि हम इतने घंटे में कार्रवाई करके अरेस्ट कर लेंगे। ये आश्वासन दे रहा हूँ कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज रात तक इनको अरेस्ट कर लूं। ये लड़के लगातार भागे हुए हैं, आगे आगे चल रहे हैं, हम जहाँ भी कोई भी क्लू है वहाँ पे 5 टीमें भेजी हुई है, भगवान ने जरा से ही मदद करी तो आज रात को उठा लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, एसपी साहब धन्यवाद। एसपी साहब ने ठोस आश्वासन दे दिया है और एसपी साहब के आश्वासन के बाद काबरछा गांव के युवा सरपंच मनीष जाखड़ का फिलहाल जो अंतिम संस्कार के लिए इनकी डेड बॉडी को ले जाया जाने लग रहा है गांव काबरछा में। और फिलहाल तो हम देख सको पूरा का पूरा गांव, ना केवल काबरछा बल्कि आसपास के कई गांवों में फिलहाल मातम का माहौल है। एसपी साहब के आश्वासन के बाद गांव वाले ने यू जाम खोल दिया है और एसपी साहब ने ठोस आश्वासन दिया है। न्यू भी बताया एसपी साहब ने कि 5 टीमों का गठन कर दिया है और ये एक को राउंड अप भी कर लिया है। तो फिलहाल तक की जो जानकारी लिख रखा है, एक को राउंड अप कर लिया है, 5 टीमों का गठन कर दिया है, पंजाब के अंदर भी टीमें तैनात कर दी हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस हत्याकांड को लेकर, फिलहाल जो है मामला काफ़ी गर्म हो रहा है और यू पूरा का पूरा हाईवे जाम कर रखा था गाँव वाले ने। एसपी साहब के आश्वासन के बाद ये जाम खोला गया है। फिलहाल काबरछा गांव के जो सरपंच हैं मनीष जाखड़, उनको उनका जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम संस्कार के लिए गांव में ले जाया जाने लग रहा है। तो इन दुखद तस्वीरों पर छोटा भाई तरती के शेयर करवाना भी जी कौन करता भाई, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।